सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल महाकाली फ्लूट पर। दोस्तों, आज काफ़ी लोगों का कमेंट मेरे पास आया, काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप किया इस एक ट्यून के लिए जो मैंने बहुत पहले बोला था। शायद 3-4 महीने मैंने ठंडियों में बोला था। वो ट्यून थी हीरो ट्यून जो बजाई थी मैंने, उससे पहले एक ट्यून बजाई है। उस ट्यून के बारे में लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि हीरो ट्यून से पहले जो ट्यून बजाई थी उस ट्यून का नोटेशन डालने के लिए, तो मैं व्यस्तता के कारण मैं डाल नहीं पाया था उसे। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ उस ट्यून को ट्यूटोरियल डालने की। दोस्तों, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हम एक ही जैसा सेम चीज़ बजाएं, हर कोई अलग अलग बजाता है। आप इसमें मॉर्निंग ट्यून भी बजा सकते हैं, कोई भी और ट्यून कुछ भी बजा सकते हैं। बस इसमें गाँव कमल लगा के, और हमने अगर सा से उठाना है तो किसी भी तरह से हम घूम फिर कर सा तक ले आएँ और सा से फिर अपनी ट्यून शुरू करें। तो मैं 2-3 तरह से इसको बजा के देखता हूँ और आप लोग उनमें से फिर एक का ट्यूटोरियल मैं दे दूँगा जो बहुत ही सिंपल आसान होगा। वो तो इसके नोटेशन मैंने आपको बहुत पहले दे रखी हैं, जो इसके शुरुआती ट्यून है उसमें क्या है। वैसे तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो नॉर्मली बता रहा हूँ, सा रे गा पा धा सा, ये भोपाली के ही 5 नोट हैं। अगर इसको हम गा कोमल करते हैं तो ये शिवरंजनी हो जाता है। तो हमें शिवरंजनी राग के हिसाब से बजाना है, गा कोमल लगाना है। बाकी आप कोई से भी सुर यूज कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ बजा सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है कि आपको यही बजाना है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें इसने ऐसा बजाया था या मैंने कैसा बजाया था पहले, सेम वही चीज़ देना तो मुझे भी याद नहीं मैंने क्या बजाया था। सब लोग अलग अलग बजाते हैं, तो हम भी एक आध तरह से ट्राई करते हैं। पहले शुरू करते हैं। एक ये हो गई, बहुत लंबी है। आप कुछ भी बजा सकते हैं, बस थोड़ी देर गा कोमल, गा को आपको थोड़ा सा उसको लंबा करना है, उस पर थोड़ी देर ठहरना है और थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको सा तक ले आना है जैसे मैंने किया। और दूसरे तरीके से बजाते हैं, शॉर्टकट एकदम। अब इस सा से हम अपनी ट्यून शुरू कर सकते हैं। तो ट्यून आप कुछ भी बजा सकते हैं, कहीं से शुरू करो, जहां से मर्जी। आप सीधा यहां से शुरू कर सकते हैं,
कुछ भी, बस आपको ये नोट टेंशन इसका ध्यान रखना है कि आपको गाँव कोमल और ये सात अकलियाना आप इसमें कहीं से भी बजा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये मैं ही हूँ, आप अभी लाल टी शर्ट में था, आप पीली टी शर्ट पहन लिए, तो कन्फ्यूज मत होइए। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको तीन तरह की नोटेशन डाल रहा हूँ मैं इसमें, एक तो लंबी जो मैंने शुरू में बजाई थी वो है, और दो बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें चुटकियाँ बजा लेंगे, इतनी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है, बहुत ही सिंपल मैंने किया, पा धा सा रे गा, मध्य सप्तक से शुरू करेंगे। इसको चाहे तो आप मंद्र सप्तक से भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी सारा लंबा बजाना पड़ेगा। मैं दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप, मैंने जो यहाँ नोटेशन लिखा हुआ है वो मध्य सप्तक से लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको मंद्र सप्तक से करके दिखा देता हूँ, आप बजाना सिर्फ मध्य सप्तक से। क्या किया, पा धा सा रे गा, मंद्र सप्तक से शुरू किया, फिर क्या किया, सा रे गा पा धा सा, बहुत ही आसान। और जब आप मध्य सप्तक से बजाएंगे तो यहीं से बजाएंगे, यहाँ मध्य पा से, ठीक है। तो मैं अभी तो मंद्र सप्तक से बजा रहा हूँ, इसको पूरा करता हूँ। ये है, अब मैंने जो लिख रखा है मैं वो बजाता हूँ यहाँ से ना, मध्य सप्तक से पा, पा दा सा रे गा रे सा, गा कोमल है। सारे गरे सादा, सारे गरे सादा, आप सिर्फ सागर सादा भी कर सकते हो, वो सही रहेगा, सागर सादा, बहुत ही आसान है। तीसरी लाइन, रे सादा प ग रे सादा, धरे सादा प ग रे सादा, इतना लंबा करना। धरे सादा प ग रे, ठीक है, लिखा हुआ पढ़ लेना, सिंपल सिंपल बजाना। क्या है, धसा धप धसा, Thank you.
धा धा प धा, इसमें ऊपर भी ऐड कर सकते हो। ये भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो, उसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बस अच्छा लगना चाहिए। और ये सा पर रुकना है, यहाँ रुके, इसके बाद ट्यून शुरू। सा पर आना, यहाँ से ट्यून शुरू कर देनी। अब दूसरे तरह की है, इसमें बहुत ही बेहद ही सिंपल तरीके से मैंने नोटेशन लिखा है। अगर आप इसको कठिन करना चाहें तो इसमें मूर्तियाँ दे सकते हैं बहुत सारी, मैं सिंपल बता रहा हूँ। पहले सारे ग प ध सा, सारे ग प ध सा, ठीक है, पहली लाइन। और पहली लाइन में ही और जोड़ना है, रे ग रे सा रे ग, रे ग रे सा रे ग, रे ग रे सा रे ग। बजाना किस तरह से, ठीक है, सारे ग प ध सारे ग रे सारे ग। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, रे ग रे ग सारे ग, रे ग सारे ग। लास्ट में ग को लंबा कर लेना कोमल, ग रे सा। फिर अगली लाइन, सारे ग रे सा, सारे ग रे सा। पा भी जोड़ सकते हो, सारे ग रे सा पा, मैंने धा लिखा, पा भी जोड़ सकते हैं। क्या ध रे सा ध प ग रे सा ध, जैसे पहले वाले का था उसी तरह से तीसरी लाइन। सेम है, चौथी लाइन में थोड़ा सा फर्क मैंने उसको दे दिया, क्या है, धरे ग है ध ग ध ग रे ग, यहाँ पर मुड़की है रे ग, थोड़ा सा कण लिया ग का, ऊपर ग लिखा हुआ है, रे के ऊपर ग लिखा हुआ छोटा सा, तो उसका मतलब कण है। ध ग रे रे सा रे सा, इस यहाँ पर मीण है, ठीक है, ध ग रे सा, सा का कण लेके सा रे सा रे सा।
रे सा। ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे। तो दो तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल लिखी, और जो तीसरा मैंने पहले लिखा हुआ है वो थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्या है, उसमें भी सिर्फ आपने ये पदा सादा पदा सादा पदा सादा, यहाँ पर मूर्ति है, मुर्की मुर्की में, फिर वही सारे ग पर यहाँ पर थोड़ा सा न्यास करना है, और बाकी जो इसके वापिस आ रहे हैं तो वापिस में उसी तरह से बजा सकते हैं। इसको हम मध्य सप्तक से भी बजा सकते हैं और मंद्र सप्तक से भी। इस तरह से तो कोई इसमें ये नहीं है कि मैंने ये बजा के दिया यही बजाना है आपको। नोट पांच लगाने हैं, और जैसे मैंने ये बजाया साल आना, कैसे भी बजा के साल आएंगे और यहीं से शुरू करेंगे। आ गया ट्यून, यही है। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताएं, बहुत सारी मेहनत है वीडियो पर, और आप लोग बिना कुछ भी दिए बिना कुछ भी पैसा लगाए सीख रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। यही वीडियो आप मुझसे ऑनलाइन सीखेंगे तो आपको 1000 रुपये लग जाएंगे, तो आप वीडियो देख के ज़रूर एक लाइक कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।